अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। IMF शराइत के तहत नए टैक्स सिस्टम के हवाले से इतलाक शुरू कर दिया गया है और कंपनीज को टैक्स अदायगी के बदले सहूलियात एक्टिव लिस्ट पर होने से मशरूत कर दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। उमर हयात, FBR ज़राए मजीद क्या बता रहे हैं? बिल्कुल जी, ये जो IMF की शराइत के तहत नए टैक्स सिस्टम का आगाज किया गया था उसका इतलाक शुरू कर दिया गया है और कंपनियों को टैक्स अदायगी के बदले सहूलतें जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर होने से मशरूत कर दी गई हैं और एक्सचेंज कंपनियों को बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने पर टैक्स है वो 0.15% अदा करना होगा और इसके साथ साथ दीगर टैक्स गुजारों के लिए ये शरह जो है वो 0.6% है। इन कंपनियों को स्टेट बैंक कानून के तहत लाइसेंस लेना और एक्टिव लिस्ट पर होना लाजम है और 0.15% की आसान शरह से डेबिट अकाउंट से रकम जो है वो निकलवाने पर होगी। इनलैंड रेवेन्यू की जानब से मुतालिका सर्टिफिकेट बैंक अकाउंट के साथ मुंसलिक होना लाजम है। NGOs के लिए भी यही तरीकेकार जो है वो लागू होगा और टैक्स से इस्तेफा के लिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर आकर रिटर्न फाइल करना भी लाजम होगा। 100% टैक्स क्रेडिट जो है वो सिर्फ सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन और उनके लवाहितीन के लिए फलाही कामों पर मिलेगा और इस मकसद के लिए ट्रस्ट गैर मुनाफा बख्श इदारा बनाकर SECP में रजिस्टर कराना लाजम होगा और मजहबी फलाही इदारे को भी ये सहूलत दस्तियाब। ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।